उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात करीब है, सभी लोग मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से दावा कर रहे हैं। लोकदल के दावेदार ने कहा कि अगर मेरी पार्टी मुझे टिकट देती है और अवाम मुझे मुंतखिब करती है तो मैं अवाम का बहुत भला करूंगा। देखिए, मैं कांट विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच में हमेशा से रहता ही हूँ और सारे लोग मेरे से परिचित हैं। कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें मेरा परिचित ना हो। जितने लोकल मुद्दे हैं सबके बारे में मुझे पता है। उनके मेन मुद्दे कांट विधानसभा कांट में प्रॉपर ट्रैफिक जाम का बहुत बड़ा हुआ है। रेलवे लाइन है, उसके ऊपर ओवरब्रिज है, वहाँ अस्पताल नहीं है, कोई भी ढंग का विद्यालय नहीं है और जो डूब का क्षेत्र है वहाँ एक दो पुलों की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और मैं कांट विधानसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, चाहे खेल के वजह से जुड़े हुए हों। कांट विधानसभा का टोटल वोट कितना है? 388,000 वोट है। कितना आप अपना मानते हैं? 60% वोट मेरे साथ है वहाँ का। अच्छा, जो जनता से जो वादे किए जाते हैं बाद में जनता को निराशा मिलती है चुनाव के बाद, तो आप उन वादों को पूरा करेंगे या फिर ऐसे ही जनता निराश हो जाएगी? मैं खिलाड़ी हूँ, जो भी वादा करूंगा पूरा करूंगा, वरना वादा ही नहीं करूंगा। मैं पूरी कांट विधानसभा क्षेत्र की अपनी स्थिति बता दूं। एक डिलारी ब्लॉक है, वहां से हम लोग लगातार प्रमुख रहते हैं, मैं या मेरा परिवार का मेंबर। पराग डेयरी पे हम लोग लगातार चेयरमैन हैं। वॉलीबॉल एसोसिएशन से मैं 2012 से अध्यक्ष हूँ यूपी का। तो हम लोग खेल पे, डेयरी से या ब्लॉक लेवल से सब जगह से हम जनता से जुड़े हुए हैं। और अगर राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से मुझे टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से भारी बहुमत से राष्ट्रीय लोकदल का और समाजवादी का मान सम्मान बढ़ाने का काम करूँगा। और जो क्षेत्र की जनता है उसकी उम्मीदों पर मैं पूर्ण उतरने का काम करूँगा, क्योंकि अभी तक जो विधायक बनते हैं वो बनने के बाद क्षेत्र में घूमने का काम ही नहीं करते, वो क्षेत्र से कट जाते हैं। जब जनता से आप कट जाएंगे तो आप उसकी समस्याओं का निराकरण कर ही नहीं सकते। लेकिन हम लोग चूंकि खिलाड़ी हैं, जो कहेंगे वो करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हाईकमान से आपको अब तक क्या आश्वासन मिला है? वो हाईकमान बहुत मेरे पर विश्वास करते हैं, ये सच्चा आदमी है और मैं उन पर विश्वास करता हूँ कि वो भी सच्चे आदमी है, जो कहेंगे वो करेंगे। अच्छा, आप भी एक खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ियों के लिए क्या करेंगे आप कांट विधानसभा 25 कांट में? वॉलीबॉल के ही नहीं, अन्य खेलों के भी बहुत अच्छे स्कोप है और लगातार लोग खेलते रहते हैं। लेकिन कोई भी एक चाहे वॉलीबॉल का हो, चाहे एथलेटिक्स का हो, और कोई भी खेलने के लिए छोटा भी स्टेडियम नहीं है।